जम्मू कश्मीर में नई सरकार के गठन से पहले राष्ट्रपति शासन हटाने का आदेश रविवार देर रात जारी किया गया है। गृह मंत्रालय ने बताया कि राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने नए मुख्यमंत्री की शपथ के तुरंत पहले राष्ट्रपति शासन खत्म करने का आदेश जारी किया है। जम्मू कश्मीर में पिछले विधानसभा चुनाव 10 साल पहले 2014 में हुए थे। चुनाव के बाद भाजपा पीडीपी ने गठबंधन सरकार बनाई थी। 2018 में भाजपा के समर्थन वापस लेने के बाद सरकार गिर गई थी और महबूबा मुफ्ती ने सीएम पद से इस्तीफा दे दिया था। तब से जम्मू कश्मीर में केंद्र का शासन था। इधर नेशनल कॉन्फ्रेंस उपाध्यक्ष उमर अब्दुल्ला आज मुख्यमंत्री पद की शपथ ले सकते हैं। विधानसभा चुनाव में नेशनल कॉन्फ्रेंस ने 42, उसकी सहयोगी पार्टी कांग्रेस ने 6, सीपीआईएम ने 1 सीट जीती थी। रिजल्ट के बाद एनसी प्रमुख फारूक अब्दुल्ला ने कहा कि उमर सीएम बनेंगे। उमर को 10 अक्टूबर को हुई बैठक में विधायक दल का नेता चुना गया था। इसके बाद उमर ने 11 अक्टूबर को शाम श्रीनगर में राजभवन जाकर एलजी मनोज सिन्हा से मुलाकात की और जम्मू कश्मीर में इंडिया ब्लॉक की सरकार बनाने का दावा पेश किया था।